आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास Samsung A31 का फ़ोन है और आप सभी लोग उसमें कीबोर्ड में दोस्तों अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं, यहां पे आप अपने फ़ोन के कीबोर्ड में किसी भी फ़ोटो को लगाना चाहते हैं अपना कोई भी फ़ोटो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप जो अपना फ़ोटो कीबोर्ड में लगा सकते हैं। तो गाइस, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, कीबोर्ड में अपना फ़ोटो लगाने के लिए आपको सबसे पहले इसी तरीके से यहाँ पे कीबोर्ड को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरीके से ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिलता है थेम का, तो आपको थेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे थेम्स दिखने लगेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे जो भी थेम्स आपको दिखाई दे रहा है उसको आप जो है सेलेक्ट करके लगा पाएंगे दोस्तों, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आप अपना फ़ोटो लगाना है तो आपको सिंपली से अपना फ़ोटो सेलेक्ट करना है दोस्तों। और फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर की ओर राइट का आइकॉन दिखेगा, तो यहाँ पर आपको राइट वाले आइकॉन पर क्लिक करना है और आपके फ़ोन का जो कीबोर्ड का फ़ोटो है गाइस, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने फ़ोन के कीबोर्ड में फ़ोटो को यहाँ पे सेटिंग कर रहा है, मतलब कि कर रखा है दोस्तों। यानी कि अभी मैं आपको करके दिखा भी दिया दोस्तों कि कैसे आप सब लोग अपने फ़ोन के कीबोर्ड में फ़ोटो को यहाँ पे लगा पाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप सभी लोग अपने फ़ोन में भी सेटिंग कर सकते हैं, जिसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन का कीबोर्ड में आप जो अपने फ़ोटो को सेटिंग कर पाएंगे। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।